हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया पैकेट अनबॉक्स करने के लिए। तो आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी ग्लू गन की। तो ये पैकेट मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो ये है इसका रिसिप्ट, आप देख सकते हैं। ये ग्लू गन मुझे 169 का रिसीव हुआ है। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, देखो आप देख सकते हैं 169 का। चलिए अब हम प्रोडक्ट दिखाते हैं। ये हमारी ग्लू गन है। अब मैं इसको ओपन करूँगी। काफ़ी अच्छे से पैकेट, छोटी सी है, इजी टू हैंडल। ये इसका पॉलीबैग ऊपर से हो रखा है, इसको निकालना है। उसके बाद ये दोबारा से एक अच्छे से पैक किए हुए है। अभी ये ओपन कर रही हूँ मैं। ये इसके साथ स्टिक्स जो आई हैं वो स्टिक्स हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे। कुछ स्टिक्स फ्री थी, आई थिंक 10। अभी देखो काउंट करती हूँ मैं, 3 4। स्टार्टिंग से दोबारा से काउंट करती हूँ आपके सामने। 1 2 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हैं ये। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। काफ़ी हार्ड तरीके से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से ओपन होना है। काफ़ी अच्छे अच्छे हैंड्स बने हैं इसके ऊपर, प्यारे प्यारे छोटे से। चलिए मैं ट्राई करती हूँ उसको ओपन करने। इसके इजी टू यूज़ मेन्यू लिखा है, किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है वो बताया गया है कि हाउ टू यूज़ ग्लू गन। तो आप इसको पढ़ के तब यूज़ कर सकते हैं। साइड्स पे इंस्ट्रक्शन छपे भी हुए हैं, आप उनको देख के कैसे करना है वो उससे भी कर सकते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। काफ़ी हार्ड है इसका प्लास्टिक, हो नहीं रहा है ओपन। मैं दूसरा ट्राई करती हूँ, शायद ऐसे हो जाए। उससे भी नहीं हो रहा है, जस्ट वेट। इसको मैं फाड़ी देती हूँ, यहाँ से मैंने कट लगा के इसको निकाल रही हूँ उसमें से। ग्लू गन्स के काफ़ी बेनिफिट हैं, आप कोई भी चीज़ इजीली से चिपका सकते हो। और दूसरी बात ये कि ये कह सकते हो डेंजरस नहीं है। जैसे फेविकोल वगैरह है, ये स्किन में लग जाती है तो स्किन जल जाती है, वैसा इसको ग्लू गन में नहीं। बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत गर्म नहीं होती है लगाने के बाद। और मैं इससे इवन मैंने जो मिट्टी का पॉट होता है वो तक मतलब एक बार इससे जॉइंट किया है, तो काफ़ी हेल्पफुल लगा है। तो इसी वजह से मैंने एक नया ग्लू गन मंगा के उसका अनबॉक्सिंग करने के लिए सोचा था। तो इसी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया था। आप इसको और भी वॉट में ज़्यादा में ले सकते हैं, तो ये कम वॉट का है। अभी मैं वॉट बताऊंगी, आई थिंक भूल गई मैं कितने वॉट का था। ये देखिए, ये मैंने बाहर निकाल लिया। और ये स्टिक यहाँ से इसके पीछे होल्स होता है, उसमें डालनी होती है। और आगे जो ट्रिगर होता है उसको आगे दबा दबा के आगे खींचनी होती है। ये इसका वायर मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। लेट्स सी, इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने स्टिक इसमें लगा लिए हैं और मैं 5 मिनट के लिए इसे गर्म करना है। तो मैं इसका प्लग लगा देती हूँ। ये मैंने इसका प्लग लगा दिया और ये हमारी चार्जिंग होना स्टार्ट हो गई है, कह सकते हैं हीट होना स्टार्ट हो गई है। तो वायर देख सकते हैं, मैंने अपने बेड से ऊपर वाले प्लग में लगाया था, बस इतना ही लंबा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा वायर है। और जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टिक, रबड़ और कुछ बहुत पेपर, मतलब कुछ भी इसे चिपका सकते हैं। बट मैं आपको, मेरे पास एक छोटा सा स्टैचू था तो उसका हाथ टूट गया है मतलब, तो मैं वो आपको आज जोड़ के दिखाऊंगी।
और ये भी जैसे ये गर्म हो जाएगी ना, तो आगे से इसके निप से हल्का सा लिक्विड निकलना पड़ेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखिए हल्का सा पानी की बूंद जैसा है दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट। दैट मीन्स ये रेडी है यूज़ करने के लिए। चलिए, जो मैंने आपको स्टैचू बताया ये वो स्टैचू है, देखो इसका हाथ टूट गया है। तो अब मैं ये हाथ जोड़ के आपको इससे दिखाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया और ये मैंने इसका हाथ रख के वहाँ पे चिपकाया। आई थिंक थोड़ा ठंडा है। हाँ, ये थोड़ा ठंडा है, तब तक वो गर्म हो जाए। इसको निकाल के, पूरी अच्छे से स्टिक नहीं हुआ है। ये ठंडा था इस वजह से थोड़ा स्टिक नहीं हुआ है, दोबारा से थोड़ा और गर्म हो जाए। ऐसा हो गया, अब तब तक थोड़ा और गर्म हो गया होगा, अब लगाते हैं। अच्छा रिजल्ट के लिए थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाए ना, तो बेटर रिजल्ट मिलता है। थोड़ा सा मैंने पोंछ लिया, आगे से कुछ ज़्यादा निकल गया था, अदरवाइज भी बाद में शो होता स्टैचू में। तो मैंने लगा लिया स्टैचू में, ये देखिए। और मैं इसका हैंड रख के वहाँ पे प्लेस करके प्रेस कर रही हूँ। ये कर दिया मैंने, देखिए, देख सकते हैं आप, ये स्टिक हो गया है। देखिए मैं आपको हिला को भी दिखा रही हूँ, जिससे अगर नहीं चिपका होता तो निकल आता। तो ये फ्रेंड ग्लू गन काफ़ी काम की लगी है मुझे, आप भी इसको परचेज़ कर सकते हैं अमेजन से, और कोई ज़्यादा प्राइस की नहीं है। जिसके घर के छोटे मोटे सामान जो होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब चिपका के दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्टैचू टूट गया था तो मुझे फेंकना ही था, इससे मैंने चिपका लिया और ये काम आ गया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए थैंक यू।